हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माय सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज इस वीडियो में बात करेंगे अपने 11th क्लास के 9th लेसन पौधशाला या नर्सरी के बारे में, जिसके 4 या 5 पार्ट अपने पहले पढ़ चुके हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है। इसके अंतर्गत अपने विभिन्न प्रकार के फूलों की, सब्जियों की और फलों की नर्सरी किस प्रकार से लगाई जाती है, इस बात की चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। पौधशाला या नर्सरी, सबसे पहले अपने देखेंगे कि फूलों की पौध तैयार करना। सबसे पहला अपना फूलों की पौध तैयार करना, सबसे पहला पॉइंट फूलों की पौध तैयार करना। फिर अपने पढ़ेंगे सब्जियों की पौध तैयार करना और फिर अंत में पढ़ेंगे अपने फलों की पौध तैयार करना। देखिए, फूलों की पौध तैयार करने के लिए अपने सबसे चुने हुए स्थान को, सबसे पहले क्या करेंगे, चुने हुए स्थान को धरातल से 10 से 20 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पे होना चाहिए। पहली कंडीशन ये देखेंगे, नहीं है तो उसकी ऊंचाई पर करेंगे। छोटी छोटी क्यारियां बना लेंगे, 1 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी, बिल्कुल छोटी छोटी इसमें क्यारियां बनाते हैं। उसके बाद में फूलों के बीजों को लेकर और उसमें उसकी बराबर मात्रा या दोगुनी मात्रा मिट्टी या रख को मिला लेते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि समान रूप से उसका वितरण हो जाए। और फिर छिटकुआ विधि से पूरी क्यारी में उसको छिड़क देते हैं, बिखेर देते हैं। और उसके ऊपर जो गोबर की छनी हुई खाद होती है, उसको खाद को परत बना देते हैं। छोटी सी पतली सी एक परत बना दी जाती है, या इसकी जगह अपने राख का उपयोग भी कर सकते हैं। बीजों को बोने से पहले कवकनाशियों से उपचारित कर लेते हैं। कवकनाशियों से बीजों को उपचारित करना जरूरी होता है। इस प्रकार से अपने फूलों वाले पौधों को लगाते हैं। इसके बाद लगाने के तुरंत पश्चात फुहारे या जारे से एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए, और जब तक अंकुरण नहीं हो तब तक के लिए अपने को नियमित रूप से शाम के समय सिंचाई करनी चाहिए, वो भी फुहारे या जारे से सिंचाई करनी चाहिए। जैसे ही फसल 2 सप्ताह की होती है, लगाए हुए बीज को बोए हुए 2 सप्ताह हो गए, उसके बाद में अपने को एक हल्की निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, मतलब उसमें से खरपतवारों को हटा देना चाहिए। और जैसे 3-1 सप्ताह के होते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट के लिए, स्थानांतरण के लिए और दूसरे खेत में लगाने के लिए भेजे जा सकते हैं, भेजे जाने योग्य ये हो जाते हैं। हाँ, सर्दियों से बचाने के लिए अपने इनको पॉलीथीन से ढक सकते हैं, और धूप से बचाने के लिए उनको शेड नेट, छायादार स्थानों पर रख सकते हैं, शेड नेट बना सकते हैं। तो मुख्यतः जो फ्लावर प्लांट होते हैं, फूलों वाले पौधे होते हैं, वो शेड लविंग प्लांट होते हैं, छाया को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको सामान्यतः छाया वाले क्षेत्र में लगाया जाता है। चलिए इसके बारे में अपने डिटेल से लिखते हैं और कुछ कुछ और समझने का भी प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले अपने लिखते हैं फूलों की पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले नर्सरी में छायादार व ऊंचे, सबसे पहले क्या करेंगे, छायादार व ऊंचे स्थान में, क्या ऊंचे स्थान की क्यारियां काम में लेते हैं, ऊंचे स्थान की
क्यारियां काम में लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, छायादार स्थान और ऊंचे स्थान क्यारियां अपने फूलों के लिए काम में ली जाती है। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं, फूलों की पौध तैयार करने के लिए छोटी छोटी क्यारियां जिनकी लंबाई, पहले चौड़ाई लिख लेते हैं, जिनकी चौड़ाई 1 मीटर व लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है, इनकी चौड़ाई और लंबाई अपने 1 या 1.5 मीटर ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखी जाती है, तथा यह सामान्य धरातल से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई होने चाहिए। क्या होना चाहिए, यह धरातल से 10 से 15 सेंटीमीटर तक ऊपर उठी हुई होने चाहिए। इसके बाद में यदि अपने बात करें प्रत्येक क्यारी में 2 से 5 केजी सड़ी गली पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करते हैं। वर्तमान में क्या करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग किया जाता है, परंतु अपने लिखने के लिए गोबर की खाद भी इनफ रहेगा। इसके बाद में अपनी बात करें इसके पश्चात तैयार क्यारियों में बीज की मात्रा के बराबर या दोगुनी मात्रा मिट्टी या राख की मिलाकर क्यारी में समान रूप से बिखेर दी जाती है। क्यारी में क्या होगा, पूर्ण रूप से समान रूप से बिखेर दी जाएगी। इसके बाद में इसको छनी हुई गोबर की खाद या राख के मिश्रण से पतली परत बनाकर ढक दिया जाता है और तुरंत फवारे या धारे से सिंचाई कर दी जाती है। ठीक है, प्रतिदिन
शाम के समय अंकुरण से पूर्व तक, यानी कि अंकुरण होने से पहले तक और शाम के समय डेली पूर्व तक फवारे या जारे से सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक दिन अपने क्या करेंगे, फुहारे या जारे से सिंचाई करेंगे जब तक कि अंकुरण नहीं होगा। इसके बाद आवश्यकता अनुसार वह मौसम की दशा के आधार पर सिंचाई करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। मतलब मौसम कैसा है और पौधे को आवश्यकता है क्या, उस आधार पर सिंचाई अपने को करनी चाहिए। इसके बाद यदि अपने बात करें कि क्या करना चाहिए, बीजों को बोने से पूर्व, ये लाइन अपने वैसे तो यहां लिखनी थी, ठीक है, बीजों को बोने से पूर्व कवकनाशी से उपचारित करना चाहिए, जिससे पौधे में रोग कम उत्पन्न हो। ठीक है, अपने को क्या करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए कवकनाशी से, जिससे बीज रोग कम उत्पन्न हो। जब पौधा 2 सप्ताह का हो जाता है तो इसमें खरपतवार निकालने चाहिए। जब पौधा 2 सप्ताह का हो जाए तो इसमें अपने को खरपतवार निकालना चाहिए, अर्थात निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने शाकों की पौध तैयार करना, यानी कि सब्जियों की पौध तैयार करना। दूसरा, सब्जियों की पौध तैयार करना। हाँ जी, कैसे की जाती है सब्जियों पर, सेम प्रोसेस रहती है इसी में, सब्जियों में भी, परंतु सब्जियों में कुछ ही सब्जियां होती है, जैसे मिर्च, बैंगन, टमाटर और गोभी वर्गीय सब्जियां, ये सब्जियां होती है जिनके पौध तैयार करके उसके बाद में उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इनमें क्या करते हैं कि गोबर की खाद भी मिलाई जाती है इसमें भी, तो उसकी क्या मात्रा रखते हैं, 20 से 25 किलो गोबर की खाद प्रत्येक 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आधार पर गोबर की खाद मिलाई जाती है, और उसके बाद में छिड़काव विधि से इन बीजों को बो दिया जाता है या इनको पंक्तियों में बोया जाता है। तो सामान्यतः इनकी दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रखी जाती है, वह छोटे बीजों की गहराई 0.50 से 1 सेंटीमीटर रखी जाती है, बड़े बीजों की गहराई के लिए अपने 4 से 5 सेंटीमीटर भी रखी जाती है। चलिए इसमें अपने लिखते हैं थोड़ा सा, टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज व गोभी वर्गीय सब्जियों की पौध तैयार करने के लिए, मिर्च, बैंगन, टमाटर, प्याज व गोभी वर्गीय सब्जियों की पौध तैयार करने के लिए
20 से 25 केजी प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के हिसाब से गोबर की खाद खेत में मिलाई जाती है। क्या करेंगे, गोबर की खाद को खेत में इस मात्रा के हिसाब से मिला देंगे। इसके पश्चात एक मीटर चौड़ी वह 3 से 5 मीटर लंबी क्यारियां बनाई जाती है। क्या करेंगे, एक मीटर चौड़ी व 3 से 5 मीटर तक लंबी क्यारियां सब्जियों के लिए बनाई जाती है। अब बीजों को बुआई कैसे करेंगे अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, इतना आप नोट कीजिए और ना वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, इसके बाद में अपने पढ़ रहे थे सब्जियों की पौध किस प्रकार से तैयार कर देते हैं। तो अपने पढ़ा था कि सब्जियों की पौध तैयार करने के लिए अपने 1 से 3 मीटर एक से 1.5 मीटर चौड़ी व 3 से 5 मीटर लंबी क्यारियां बनाते हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है और इसमें गोबर की खाद डाली जाती है। 10 मीटर स्क्वायर में 20 से 25 किलो गोबर की खाद डाली जाती है और वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं जो आजकल का ट्रेंड है। इसके बाद में पढ़ते हैं कि बीजों को बोने से पहले क्या करते हैं, अपने कवकनाशी से उपचारित करते हैं जिससे आर्द्र गलन रोग का खतरा कम रहता है। तो नर्सरी का सबसे प्रमुख रोग है ना, वो है आर्द्र गलन, यानी कि जड़ गल जाती है या तना गल जाता है। तना गलन या आर्द्र गलन को बोलते हैं आर्द्र गलन और इसको इंग्लिश में बोला जाता है डंपिंग ऑफ रोग। ठीक है, तो इसमें इस रोग से बचाने के लिए अपने कवकनाशी फंगिसाइड का उपयोग करते हैं, एग्रोसन और थायरम, इन कवकनाशियों का अपने उपयोग करते हैं। लिखते हैं बीजों की बुआई से पूर्व एग्रोसन जी एन या थायरम की 2 से 3 प्रतिशत मात्रा से बीजों को उपचारित किया जाता है, जिससे पौधों में आर्द्र गलन रोग कम होता है, जिससे क्या होगा आर्द्र गलन या डंपिंग ऑफ रोग कम होगा। इसके बाद में उपचारित बीजों के बराबर मात्रा में मिट्टी या राख मिलाकर क्यारियों में समान रूप से बिखेर दी जाती है तथा इस पर छनी हुई गोबर की खाद या
राख की पतली परत चढ़ा कर परत चढ़ाकर फुहारे या जारे से हल्की सिंचाई करते हैं हल्की सिंचाई करते हैं क्या करेंगे फुहारे या फुहारे से या जारे से क्या कर देंगे हल्की सिंचाई कर देंगे गोबर की छनी हुई खाद को पतली परत के रूप में चढ़ाकर उसके बाद में सिंचाई कर देंगे और उसके अलावा सब्जियों के पौधों को उनकी वर्दी के अनुसार 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में भी लगाया जाता है वह इस समय वह पंक्तियों में लगाते समय बीज की गहराई 0.5 से 1 सेंटीमीटर रखी जाती है ठीक है तो इनको क्या होते हैं पंक्तियों में भी लगाया जा सकता है और बीज की गहराई होती है वो 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक रखी जाती है वह दूरी 6 से 8 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। इसके बाद में यदि बात करें बीजों के अंकुरण से पूर्व बीजों के अंकुरण से पूर्व प्रतिदिन सुबह व शाम के समय झरने या फुहारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए बाद में चाहिए अंकुरण के पश्चात पश्चात मौसम की दशाओं व पौधों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए ठीक है। अब ये तो था सिंचाई का खेल। इसके बाद में क्या होता है कि बीजों को बोने के पश्चात यहां पे बीजों को बोने के पश्चात उन पर पतली परत सूखे हुए घास की डाल देनी चाहिए जिससे वाष्पीकरण से हानि से बचा जा सके व जो अंकुरण में सहायक है ठीक है। ये काम करेंगे अपने। इसके बाद में यदि बात करें कि अंकुरण के पश्चात घास को क्यारियों से बाहर निकाल देना चाहिए वह
खरपतवारों को हटाना चाहिए। यानी कि अंकुरण के बाद अपने क्या करेंगे, खरपतवारों को भी हटा देंगे और ये जो घास अपने डाला था वाष्पीकरण की हानि से बचने के लिए उसको भी अपने खेत से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद यदि अपने बात करें पौधों को रोग व कीट से बचाने के लिए, पौधों को रोग व कीट से बचाने के लिए उपयुक्त कीटनाशी रसायनों का उपयोग करें, उपयोग करना चाहिए। अपने क्या करेंगे, यदि रोग और कीट दिखाई दे रहे हैं तो उपयुक्त अपने रसायनों का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद में यदि बात करते हैं अपने कि टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, फूलगोभी है, टमाटर बैंगन मिर्च फूलगोभी पत्ता गोभी की पौध 4 से 6 माह में रोपण हेतु तैयार हो जाती है, परंतु प्याज की पौध 6 से 8 माह में रोपण हेतु रोपण हेतु तैयार होती है, ठीक है। ये अपने पढ़ा है कि अपने आज सीखा है आज की वीडियो में कि फसलों की विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से इनके पौध तैयार की जाती है और क्या क्या अपने को चाहिए और किस प्रकार से अपने उसमें कार्य करेंगे। इसी प्रकार अपने सब्जियों की पढ़ा है कि किस प्रकार से उसको पोषक तत्व चाहिए, कितने कार्बनिक खाद की मात्रा चाहिए, गोबर की खाद की मात्रा चाहिए, किस प्रकार से बीजों की बुआई अपने कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।